नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और इसके पहले के जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे वो सारे हमने पढ़ा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मातृ सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। यह जगह प्रारूप समिति द्वारा। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मातृ सभा की प्रारूप समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, इसमें हो जाएगा जे एंड्रियो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में जे एंड्रियो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटनी ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य लॉर्ड पथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर एटनी द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने इनकी सहायता की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, उनके पास उस समय खाद्य एवं कृषि। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो हो जाएगा जगजीवन राम। 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, ये था 10 से 15%। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, ये लिया गया है कनाडा से। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि प्रेरित हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने मानस को अनुमति देता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ मूल अधिकार रखने के।
भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकार रखने संबंधित न्याय की गारंटी देती है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि के एम पड़िक्कर तथा एच एन कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बताता है, ये हो जाएगा एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य अधिग्रहित क्षेत्रों का समावेश होगा। इसे संविधान के भाग ए में उल्लिखित किया गया है। अगला है CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हो जाएगा जनगणना विभाग द्वारा। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? यह हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है सत्य है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिनमें सत्ता, केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरची की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तीन जगह अनुच्छेद 110 एक सॉरी इसमें तीन सही होगा, अनुच्छेद 120 एक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110 एक का संबंध धन विधेयक के तथा अनुच्छेद 122 का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? दिया जाएगा अनुसूचित जनजाति। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है।
छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? दिया जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निश्चित है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो कब बना था? तो 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। सिक्किम भारत के 22वीं राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। अगला है प्रश्न, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? यह हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 2003। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में नागरिकता अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वी नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उनके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिक को छोड़कर भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है, पहला है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है देश की एकता एवं अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। अगला है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ये है मूल अधिकार। भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देख लेते हैं इसका आंसर। एक तरफ प्रावधान दिया हुआ है और भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद,
इसमें है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, यह अनुच्छेद 42 है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, यह अनुच्छेद 43। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो मूल अधिकारों के बारे में कौन सा सही है? उपर्युक्त में एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई। ये संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। आगे है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? इसमें से मूल कर्तव्य क्या हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, अतः दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रिका को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? दिया जाएगा रीट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? इसमें हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन ने। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया
तथा 42वें संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई, जिसका कारण संविधान के बृहद प्रावधानों में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? दिया हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल 1965 से 1966 तक थे। कार्यकाल में भारत के समक्ष खाद्यान्न की समस्या, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा दक्षिण में हिंदी विरोध आंदोलन का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए थे? इसमें हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। भारत में प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यह वर्ष 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? दिया हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का आंकड़ा 146 तक पहुंच गया। इसमें सर्वाधिक कांग्रेस सांसद 58, लोकसभा 41, राज्यसभा 17, डीएमके 21 सांसद, लोकसभा में 16, राज्यसभा में 5, तृणमूल कांग्रेस के 21 सांसद, लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 8 शामिल थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? दिया हो जाएगा 30 वर्ष। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष हो, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? दिया जाएगा 28 मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और यह 3 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, जिसे 28 मई 2023 को देश को समर्पित किया गया है। इसकी डिजाइन विमल पटेल ने तैयार की। इसमें कुल 1272 सीटें हैं, जिसमें लोकसभा की सीटें 888 सीटें और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। नए संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? दिया हो जाएगा 1272। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ये हो जाएगा पद्मश्री विमल पटेल। अगला प्रश्न है, बिल्किश बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं, कौन सा तथ्य वर्णित है, देख लेते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से अधिक। बिल्किश बानो केस प्रकरण वर्ष 2002 का है। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया था। 15 अगस्त 1922 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 को बिल्किश बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच बीवी नागरत्ना एवं उज्ज्वल भुइया ने गुजरात सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया। निम्नलिखित में से भारतवर्ष की विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? इसमें हो जाएगा
कौन सा पाया जाता है? उपर्युक्त एक से अधिक। भारत सरकार में विविध शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया जाता है, जिसमें न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका, आदेश या विद्यालयी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है और एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि इसमें ए ऑप्शन दिया है, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बी दिया है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी है, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। डी ऑप्शन है, एक से अधिक, इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुद्दे या मुकदमों में सर्वोच्च सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? यह हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत में मौजूद मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। तीन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। चार है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी एन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई। इसमें आपका 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 3। आगे है, कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद की किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। आगे है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास होता है? यह होता है राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? इसमें हो जाएगा पीवी नरसिंह राव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में लागू हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पहला है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। दूसरा है जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना। तीन है पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक। भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिले के किसी समूह तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में है के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? दिया जाएगा 2004। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षा विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसमें हो जाएगा 2013 में। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण वर्ष 2013 में पहली बार नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र में उपयोग में लाया गया। जून 2017 तक इसे 100% अपना लिया गया। अगला है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला दिया है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दो है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तीन है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। चार है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। इनमें से कौन सा सही है? इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में 360 को लागू करने का निम्न परिणाम हो सकता है। पहला है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।
3 है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित करने के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसी मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 2 है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 3 है, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्यवाही करने के पहले चुनाव आयोग से परामर्श लेनी पड़ती है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके तहत 4 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित, अनुच्छेद 39 में है, सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अगला है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाएं। पर्यावरण के संरक्षण व संबंध तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। अतः कथन 2, 3 और 4 गलत है। आगे है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? यह हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। भारत को राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1980 में इसका गठन किया गया। यह भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्प है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UPC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? यह हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य ने 6 फरवरी 2024 ईस्वी को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया। इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति एवं विरासत आदि पर एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष थी? हो जाएगा 1997। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? हो जाएगा चहवाड़ समिति। वाई वी चहवाड़ की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया, जिसने फरवरी 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत
में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, ये हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है, इसका अर्थ है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, अर्थात जो ईश्वर है वह सत्य है, जो सत्य है वह ही सुंदर है, जो सुंदर है वह ही ईश्वर है। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। भारत में दवा समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? एक मिनट, भारत में दवा समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? इसमें ए ऑप्शन दिया है संस्कृतिवाद, बी है विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी, और सी है देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी से। इसमें आपको हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक। भारत में बदलाव समूह के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि ये समूह एवं सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करते हैं जहां पारंपरिक मानदंड आधुनिक आकांक्षाओं के साथ मिलते हैं। अधिकांश दबाव समूहों का स्वायत्त अस्तित्व नहीं होता, वे बिना अस्तित्व के हैं और उनमें प्रतिबद्धता की कमी है। उनकी वफादारी राजनीतिक स्थितियों के साथ बदल जाती है, जिससे समाज के कल्याण को खतरा है। वे कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ नक्सली आंदोलन इसका एक उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से गठित होते हैं। दबाव समूहों के सबसे अधिक घनिष्ठ एवं उलझे हुए संबंध राजनीतिक दलों से होते हैं। ये वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा चाहते हैं। अगला है सूची एक में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची दो में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुलेमित कीजिए। आगे है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। राजनीतिक दल दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ स्थापना के वर्ष। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन पार्टी 1984, बाल इंडियन तृणमूल कांग्रेस 1998। आगे हैं इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह हो जाएगा N.V. रमना। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, उपर्युक्त कथन N.V. रमना का है। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा में सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इसमें हो जाएगा एक से अधिक। भारत के संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल है। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुलेमित कीजिए। इसमें उत्तर देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो हो जाएगा 1992।
13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की। अगला है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। यदि ये सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।